पढ़ाया नहीं गया है? नहीं पढ़ाया गया था, बाकी दो साल से स्कूल बंद है। तो अच्छा, दो साल से स्कूल। अच्छा, ऑनलाइन तो क्लास होता था? हमारे स्कूल में टीचर भेज रहे हैं, हमारे स्कूल में बिल्डिंग बनवाए, क्लास बनवाए, तभी तो पढ़ाई होगा। टीचर की कोई गलती नहीं है। ये दाल जो है आपको हम चला के दिखाते हैं, ये दाल की क्वालिटी क्या, अरहर की दाल है कि मैं किसी दारू के दुकान के आगे खड़ा हूँ? लेकिन नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। खाना बनाती है? हाँ, तो ये रोज इतना मिलता है बोतल? बहुत कुछ, प्लेग्राउंड होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं है हम लोग हमारे स्कूल में। तीसरा क्लास वाला भी बैठा है, चौथा क्लास वाला भी बैठा है। हाँ। तो सर कैसे पढ़ाते हैं सबको? राष्ट्रपति जी का नाम मालूम है आपको? रविन्द्रनाथ टैगोर। हर समय यही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बताते रहूं। 13, 13, 2, 6, 13, 3, 4, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14
कर दीजिए या इस स्कूल में वो सुविधाएं दीजिए जिससे। अभी मैं झारखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के नजदीक हूँ और मैं एक सरकारी स्कूल के सामने खड़ा हूँ। स्कूल का नाम है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय नरखोरिया कला और ये जो है नगर उटाली में पड़ता है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल की स्थिति दिन पर दिन जर्जर क्यों होती जा रही है, सरकारी स्कूल की पढ़ाई जो है कितनी खराब होती जा रही है। तो यहाँ हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कोरोना के बाद यहाँ पर जो स्कूल खुला है उसमें क्या चेंजेज आए हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने शिक्षक हैं पढ़ाने के लिए। आपको बता दें कि ये मध्य विद्यालय है, 1 से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ाई होती है इस स्कूल में। ये रोड के सामने स्कूल है, अंदर लेकर चलते हैं आपको, आइए। यहाँ पर देखिए चप्पल उप्पल निकाला हुआ है, मतलब इस स्कूल में बेंच नहीं लगा हुआ आई थिंक। तो हम आते हैं देखते हैं, सबसे पहले इस स्कूल में ये हॉल है तो बरामदे में पढ़ाई हो रही है और ये इधर शायद बच्चे पढ़ रहे हैं, इधर भी बच्चे पढ़ रहे हैं बैठ के बरामदे में। प्रिंसिपल कौन है आप, हैं क्या नाम हुआ सर आप? रमेश प्रसाद। अच्छा रमेश जी, क्लासरूम की कमी है क्या यहाँ? क्लासरूम की कमी है। कमी है, 1 से 8 तक के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं जी और क्लासरूम 4 हैं हमारे पास। अच्छा क्लास इसको भी क्लासरूम में जोड़ रहे हैं? नहीं, क्लासरूम में नहीं जोड़ रहे हैं। हाँ। एक क्लास ए है, एक क्लास ए है। अच्छा। टीचर भी 4 ही हैं हम लोग। बच्चे कितने हैं? बच्चे 172 बच्चे हैं। टीचर कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? अब 40 का रेशियो है, 35 का रेशियो सरकार का जो नियमावली है, 35 का रेशियो है, तो कम से कम 6 होने चाहिए, 6 टीचर होने चाहिए जहाँ 4 हैं। और यहाँ पे कमरा कितना होना चाहिए क्लास? कमरा कम से कम 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए लेकिन है 4। ठीक है, एक मिनट देखिए, समस्या ये है झारखंड के सरकारी स्कूल में स्कूल तो बना दिया जा रहा है, 1 से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ाई होती है, क्लासरूम 4 है, मतलब एक क्लासरूम में पहला दूसरा वाला बैठेगा, दूसरा क्लास में दूसरा तीसरा वाला बैठे, मतलब कंबाइंड क्लास चलता है। आप समझिए तो पढ़ाई कहाँ से होती होगी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे हॉल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखिए दरी बिछाया हुआ है, दरी पे बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी जरा फुर्सत मिले तो इधर आइए और आके देखिए एक बार कि कितनी दयनीय स्थिति है सरकारी स्कूल की। क्या नाम है तुम्हारा छोटू? राजा। राजा। हाँ। कहाँ घर है? कौन सी क्लास का पढ़ाई हो रहा है ये? 3 का। तीसरे क्लास में है आप? हाँ। सब तीसरे क्लास में है? नहीं। अच्छा, कोई तीसरा क्लास में है, कोई दूसरा क्लास में है, कोई चौथी क्लास में है। सर डांटिए मत उसको आप। बच्चा इधर आ जाओ, तुम आओ यहाँ, सुनो सुनो, डांटिए मत बच्चे को। चलो ये बताओ यहाँ पर क्या नाम है आपका? है? नाम आदर्श कुमार। आरुष कुमार? आदर्श कुमार। आदर्श कुमार, नाम तो बहुत अच्छा है। अच्छा आदर्श, ये बताओ कि यहाँ पर दूसरा क्लास का भी बैठा है इसमें? हाँ। तीसरा क्लास वाला भी बैठा है, चौथा क्लास वाला भी बैठा है। हाँ। तो सर कैसे पढ़ाते हैं सबको? बढ़िया पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ा देते हैं? हाँ। बढ़िया से। हाँ। अच्छा कौन से जिले में रहते हो? तेज बोलो। गढ़वा जिला में रहते हो, वेरी गुड। अच्छा झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? ये नहीं पता है? कोई बात नहीं, देखिए इसमें बच्चे को दोष नहीं दे सकते हैं। समस्या ये है कि दूसरा क्लास वाला भी इसी में पढ़ रहा है, तीसरा क्लास वाला भी इसी में पढ़ रहा है और चौथा क्लास वाला भी इसी में पढ़ रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और माननीय जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री जी जरा देखिए और थोड़ा सरहम कीजिए शिक्षा व्यवस्था पर कि
यहाँ पर क्लासरूम बनवाइए, शिक्षक की कमी है, शिक्षक भेजिए, नियुक्ति करवाइए, नहीं तो इनका एजुकेशन कहाँ जाएगा आप समझ सकते हैं खुद ही। कितनी दयनीय स्थिति है आप सोचिए। एक क्लासरूम ये है, इधर दिखाइए एक बार, क्लासरूम ये है, ये क्लासरूम है एक, और इसके बाद आपको दिखाते हैं क्लासरूम जो है दूसरा क्लासरूम ये है, और इस क्लासरूम की स्थिति देखिए। ये क्लासरूम नहीं स्टोर रूम कह सकते हैं, ये कबाड़ खाना कह सकते हैं इसको आप। तो इसमें क्यों नहीं बैठे हुए हैं सर? बैठे ये नहीं है जी कि क्लासरूम के साथ साथ हम लोग हेडमास्टर के तो इतना वर्क है जी, पेपर वर्क जी, कि हम लोग कहिए तो यहाँ तीन ही मास्टर हैं। अच्छा है, तो बच्चे कभी कभी हमको बाहर भी ऑफिस के काम से जाना पड़ता है, तो एक टीचर यहाँ एक टीचर बरामदे में बैठाते हैं, अंधेरा भी है थोड़ा सा जी, और एक क्लास अंधेरा, लाइट की व्यवस्था नहीं है? लाइट है तो लाइट लाइट रहती भी है, एक लाइट है, अभी दो साल के बाद स्कूल खुला हुआ है, कोई फंडिंग नहीं है हम लोग के पास। फंडिंग तो अभी तो चेंज हो गया है ना नियम, आप पैसे लगा के फिर वाउचर बना के पैसे लगाए, कितना पैसे लगाए बता दीजिए, कितना कितना लगा दिए स्कूल में पैसा? स्कूल में पैसा ही लगा, सरकार 50,000 तनख्वाह दे रही है, आप 200 रुपए का नहीं लगा सकते हैं बल्ब? बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन क्या क्या लगाए, फर्श बनवाया कि इसको बनवाया कि पंखा लगवाया, क्या क्या लगवाए, तो आगे आप लिख के देते हैं ये सारी चीजें? सारी चीज क्या कहते हैं शिक्षा विभाग? शिक्षा विभाग के हम लोग आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा विभाग कहता है आगे बढ़ाएंगे। देखिए समस्या ये है कि मास्टर साहब कह रहे हैं कि हम क्या क्या करेंगे स्कूल में, बल्ब लगवाए, खिचड़ी का पैसा दे, फर्श बनवाए, केवाड़ी लगवाए, पता नहीं क्या क्या लगवाए। अब बताइए इसी स्थिति है, शिक्षा विभाग को ये देखते हैं लिख के लेटर तो कहते हैं कि हम आगे बढ़ाएंगे। आप समझिए आपके बच्चे को गुमराह किया जा रहा है, आपके बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे हैं, सिर्फ टाइम पास करने आ रहे हैं, और टाइम पास कर कर बस किताब खोल के बैठे रहते हैं, खिचड़ी खा के चले जाते हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, आपके बच्चे को गुमराह किया जा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक नहीं है, क्लासरूम नहीं है, भेड़िया दसान की तरह लोग पढ़ रहा है यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। कौन कौन से क्लास वाले हैं यहाँ पर? 7-8। तो सर हमको तो नहीं लगता है कि दुनिया के किसी भी स्कूल में 7वीं और 8वीं का एक साथ पढ़ाई होता है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ कमी है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और टीचर्स की भी कमी है। हाँ, टीचर्स की भी कमी है ना। हाँ। तो अच्छा, इसे कब से चल रहा है ये? ये तो जब से जब से स्कूल बना है, जब से स्कूल बना है जब से यही तरीका से स्कूल चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब क्लासरूम नहीं है, बिल्डिंग नहीं बना हुआ है, एक और एक दो आप क्लासरूम देख चुके हैं और एक हॉल है, और शिक्षक तीन है। हेडमास्टर साहब को तो आप काउंट मत कीजिए, क्योंकि वो हेडमास्टर साहब करेंगे तो क्या करेंगे, उनको गढ़वा शिक्षा विभाग विभाग में जाना है, खिचड़ी का चावल लाना है, दाल लाना है, अंडा लाना है, ये सब काम करना है, तो उनको आप काउंट मत कीजिए, तो पढ़ाएंगे कि ये सारी चीजें करेंगे, समस्या ये है। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। अच्छा सूरज कुमार, कौन से क्लास में है आप? 8 क्लास में है। अच्छे से पढ़ाई होती है? हाँ। मैनेज करके पढ़ते होंगे आप लोग ना। अच्छा ये बताइए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति जी नहीं मालूम है? मालूम था मगर अभी भूल गया। मालूम था लेकिन अभी भूल गया। हाँ। कोई बात नहीं। अच्छा झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी जी रांची। रांची है। शिक्षा मंत्री कौन है झारखंड के? हाँ? झारखंड के शिक्षा मंत्री नहीं मालूम है। कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है दोस्त? आकाश कुमार। आकाश कुमार, मास्क नीचे कर लीजिए, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से क्लास में है आप? 8 क्लास। अच्छा ये 7 है, आप 8 है? नहीं। अच्छा ये भी 8 क्लास में है। राष्ट्रपति जी का नाम मालूम है आपको? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत अच्छे दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि 8 क्लास में पढ़ते हैं, एग्जाम कब होगा? एग्जाम मई में सुने। अच्छा मई में सुने हैं होगा। पढ़ाई होती है? हाँ। तो जब पढ़ाई होती है तो राष्ट्रपति जी का नाम आपको काहे नहीं मालूम है? अच्छा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और एक महीने में? 30 दिन। 30 दिन होते हैं? 30 से 31। और 28 का भी तो होता है? हाँ, 28। ठीक है। आपका क्या नाम है दोस्त? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश, आपके पास तो खूब ज्ञान होगा। यस, तनी मनी है। तनी मनी है, बहुत बढ़िया, तनी मनी है। 8वीं क्लास में आप भी हैं? नहीं, 7। आज आप 7 में हैं? आप चारों 7 में हैं और इधर 8 वाले हैं? यस।
तो ज्ञान परख व्यवस्था एक तरफ लड़की को बैठा दिए हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम आपके पास जब है ही नहीं, आपके पास सुविधा ही नहीं है तो आप क्या कीजिएगा। कोई भी यही करता, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सर, मेरी सरकार से लड़ाई है कि आखिर गरीब के बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ दिया जा रहा है। आप समझिए कितनी दयनीय स्थिति है, सातवीं आठवीं का एक में पढ़ रहे हैं, अभी और बच्चे आएंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा, नीचे बैठाइएगा सबको। हमारे पास जी दो साल से कोरोना से हम लोग झेल रहे हैं, बच्चे का एक दिन भी आना नहीं हुआ। अभी स्कूल खुला 4 तारीख से जी, तो उसी में हम लोग 8-8 बेंच का मैनेज करके सैनिटाइज वगैरह कर बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब जैसे अच्छा, ये बताइए सर, देखिए आप सच सच बताइएगा, आखिर ये इतनी सरकार सच में गरीब के बच्चे को पढ़ाना चाहती है? आप बताइए, आपके यहाँ क्लासरूम नहीं है, टीचर्स नहीं है, फंड नहीं है आपके पास किसी चीज़ के लिए, तो फिर कैसे चलेगा? ये तो सरकार के, सरकार जो चाह रही है कर रही है। जैसे कि खिचड़ी का ऑर्डर दे दिया गया जी, कि कहाँ से चलाइए ये नहीं जानते हैं, आप लोग चलाइए नहीं तो कार्रवाई होगा। मतलब आप लोग चलाइए चाहे जमीन बेच के, जमीन बेच के कराइए, अपना सैलरी से कराइए, कहाँ से कराइए। हाँ। ये सरकार आपका हेडेक है, मतलब सरकार ये करे, बिल भाउचर बाद में दीजिए, हाँ इसके बाद पैसा पहले आप लगाइए। तो मतलब कब हम मान के चलिए कि 10,000 रुपया आपने खर्चा कर दिया कि ठीक है भाई, लेकिन अगर आप वाउचर दिए तो फिर आपको पैसा कितने टाइम में? अभी तो हम लोग 2 साल के बाद स्कूल ही खुला है, तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये पहली बार ये तरह के प्रक्रिया आया। एक महीना में कितना खर्चा हो जाता है हमारे यहाँ? पहले आज से 2 साल पहले 15,000 रुपया होता था एक महीने में, मतलब 20 दिन वर्किंग होता था स्कूल का, तो 15,000 से 17,000 रुपये आता था, मतलब नाश्ता और खाना वगैरह मिलाकर। जो भी आप खर्च कीजिए पहले एडवांस में खर्च कीजिए, इसके बाद आएगा बिल भाउचर दीजिए, बिल भाउचर पास होगा इसके बाद पैसा आएगा जी। ये मतलब MDM भी है और स्कूल फंडिंग का भी है, तो इसमें हम लोग कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम क्या कर सकते क्या कर सकते हैं? क्योंकि सरकार जो है हमको साधन नहीं प्रोवाइड करा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं मैनेज कराने के लिए? अब अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी 172 बच्चे आप बताए थे शायद, जी जी, तो अगर मान के चलिए हाँ, तो टोटल जो इनरोल यहाँ पे है जी, अगर 20 बच्चे हो गए तो आप लेना पड़ेगा, आपको इनरोल करना पड़ेगा ना? एकदम करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हम लोग DA वहाँ गए थे जिला के मीटिंग में, यहाँ तो दयनीय उतना स्थिति नहीं है, जहाँ 600 बच्चे हैं और कमरा 2-4 है, शिक्षक जो 2 हैं, उस वहाँ के वो स्थिति जानिए क्या होगा, पढ़ाई क्या होती होगी, यही पूछेंगे। राष्ट्रपति का नाम तो रविंद्रनाथ टैगोर जी बता दे। नहीं तो देखिए 2 साल के बाद इसको उसकी दोष नहीं है, उसकी मैं सरकार से कह रहा हूँ कि भाई हमारी भी दोष कितना होगा। मैं बच्चे को या तो हर समय यही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बताते रहूं तो आगे का कोर्स कैसे। आज पढ़े हैं आप पेपर में, आप मीडिया वाले हैं लेकिन आज पढ़े हैं कि 1 साल में शिक्षा में सुधार नहीं हुआ तो 42,000 स्कूल को प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो अच्छा शिक्षा में सुधार कैसे होगा, आप सुधार क्या कर सकते हो जब यहाँ पर साधन नहीं है, क्लासी रूम नहीं है, जो हो सकता है मैं कर रहा हूँ जी। यहाँ पर आप बताइए कि जैसे 7वीं और 8वीं का एक में पढ़ रहे हैं, इसमें 2रा 3रा 4 वाले एक में पढ़ रहे हैं, तो सुधार कहाँ से हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पहले बिल्डिंग बनानी पड़ेगी कि 7वें वाले अलग 8वें वाले अलग पहले वाले अलग, चलो पहला दूसरा चल सकता है। हम लोग तो बेसिक है, जो प्रक्रिया है लिखित प्रक्रिया डिपार्टमेंट को देंगे वही कर सकते हैं, बाकी तो हम लोग और डिपार्टमेंट नहीं जवाब देता है ना, जवाब नहीं देता है कि आगे हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर फॉरवर्ड। देखिए समस्या ये है कि डिपार्टमेंट को हेडमास्टर साहब जवाब देते हैं तो डिपार्टमेंट के तरफ से एक रिप्लाई आता है कि हम आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, मतलब तारीख पे तारीख दिया जा रहा है और ये ऐसे ही चल रहा है, ये जब से स्कूल बना है इसी स्थिति में है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन हमारा कहाँ जा रहा है, झारखंड की जो है ये झारखंड के युवाओं का जो भविष्य है कहाँ जा रहा है, आखिर ये बताइए कि ये लोग पढ़ के सर्टिफिकेट लेके क्या करेगा जगन्नाथ महतो जी और हेमंत सोरेन जी, बताइए इनसे पूछते हैं। आप 8वीं में हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। किरण कुमारी, उपराष्ट्रपति जी का नाम जानती हैं आप? नहीं नहीं जानते। अच्छा पढ़ाया नहीं गया है? नहीं पढ़ाया गया था, बाकी 2 साल से स्कूल बंद है तो। अच्छा 2 साल से स्कूल, अच्छा ऑनलाइन तो क्लास होता था? हाँ होता था। तो फिर आप ऑनलाइन में ये सब नहीं पढ़ी, ये सब तो बेसिक चीज है याद। प्रधानमंत्री का नाम जानती है ना? हाँ। उसके अलावा आप किस किस का नाम जानती है? झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम जानते हैं। शिक्षा मंत्री का जानते हैं? कौन है? जगन्नाथ महतो। अच्छा चलिए बहुत खुशी की बात है कि जगन्नाथ महतो जी का आप नाम जानती हैं, तो जगन्नाथ महतो जी से आप क्या कहना चाहिएगा? ये कहना चाहिए चाह रहे हैं कि स्कूल पर पढ़ाई हुआ। अच्छा स्कूल पर पढ़ाई हो, तो पढ़ाई कैसे होगा, आपके यहाँ तो शिक्षक ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है आपके यहाँ? हमारे
बनवा। टीचर की कमी है बहुत ज्यादा। टीचर की कमी है ना? यस। तो क्या कहना चाहिएगा आप जगन्नाथ महतो जी? हमारे स्कूल में टीचर भेजें, हमारे स्कूल में बिल्डिंग बनवाए, क्लास बनवाए, तभी तो पढ़ाई होगा। टीचर की कोई गलती नहीं है इनमें। टीचर की कोई गलती नहीं है ना? देखिए कोई वहीं रखिए कैमरा। समस्या ये है कि ये देखिए स्टूडेंट है यहाँ पर, आठवीं क्लास में पढ़ती हैं। क्या नाम हुआ आपका? आकांक्षा रानी। आकांक्षा जी का ये है कि शिक्षक की कोई गलती नहीं है, और शिक्षक की दोष आप हर समय शिक्षक को आप दोष नहीं दे सकते। समस्या ये है कि अब कंबाइंड क्लास चलेगा तो आखिर कैसे सब कुछ चलेगा जी? समस्या ये है। अच्छा ये बताइए कि ये आप पहले क्लास से आठवीं क्लास तक यहीं पे पढ़ी है? पढ़ी है ना? Yes. तो अच्छा यहाँ पर और क्या क्या चीज की परेशानियाँ होती है? बहुत सारी चीज। अच्छा जैसे फील्ड होना चाहिए। अच्छा ग्राउंड भी नहीं है? Yes. जी। गेट होना चाहिए जी। बहुत कुछ। अच्छा हाँ, मतलब एक सेफ्टी पर्पस के लिए कि मतलब एक बाउंड्री होना चाहिए। हाँ, बाउंड्री होना चाहिए, बहुत कुछ, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं है हम लोग हमारे स्कूल में। तो आप लोग जो है जैसे जैसे आप लोग के यहाँ नेता कौन है, विधायक कौन है? भानु प्रताप शाही है ना? हाँ। तो भानु प्रताप शाही वोट लेने के लिए तो आते होंगे आप लोग के साइड, तो आप लोग कहती नहीं, आप लोग तो पढ़ी लिखी हैं कि नेताजी बताइए, आप तो घूमते हैं मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में, ठीक है, और हमारे स्कूल में मास्टर नहीं है, बेंच नहीं है, हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है, क्लासरूम नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? क्या आप क्या चाहते हैं कि मतलब हम हमेशा के लिए जीवन भर हम अपनी अपने पीढ़ी को, अपने खानदान को गरीब बनाते जाए? क्योंकि ऐसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी नहीं, आप लोग हमेशा ऐसी रहेगा, कुछ नहीं कोई कर पाएगा जी, हम बता रहे हैं। जगन्नाथ महतो जी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्कूल में शिक्षक भेजें और हमारे स्कूल में अच्छे से रखें, मतलब करें जी। स्कूल का नाम बताइए। राजकीय उत्कल विद्यालय नौकरिया कला। जगन्नाथ महतो जी, नियुक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है स्कूलों में। अभी तो कम से कम यहाँ पे 3 शिक्षक हैं, कहीं कहीं पे एक शिक्षक 200-200 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक को हम क्या दोष दें इसमें, बताइए जरा आप ही। सबसे पहले इस स्कूल की बाउंड्री होना चाहिए इस स्कूल में। इधर है सर, ये सब बंद पड़ा हुआ है सर, ये शौचालय तो पूरा घास वास पड़ा हुआ है सर। अब देखिए फंडिंग का जो बताया आपको, फंडिंग का फंडिंग रिलीज होगा तो सफाई उफाई जी जी बताइए ना सर। ये सब देख रहे हैं मतलब खुला जो है सर जी, इसमें बाहर के लड़के लोग जो गंदा जान करके बीक देते हैं, इसमें हम लोग खोल करके रखते हैं। आप देखिए अभी ए दाई दारू का बोतल निकलते हैं, वो भी दिखा, वो भी बिल्कुल सर दिखाइए। बिल्डिंग यहाँ पर नहीं है मेन, हर बिल्डिंग ठीक ना, अब बाउंड्री भी नहीं है, और रात के यहाँ पर पूरा खुला है, यहाँ पर रात को यहाँ के गाँव के लड़के लोग आके दारू सब पी के बोतल बिक देते हैं, हम लोग सुबह आते हैं सब साफ करवाते हैं जी। आप समझिए कि झारखंड के सरकारी स्कूल की कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी जर्जर स्थिति है। यहाँ पर यह स्कूल है, ये शिक्षा का मंदिर है, लेकिन इसको दारू का अड्डा बना दिया है लोग यहाँ पर। अब बताइए कि हेडमास्टर साहब, मास्टर साहब इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ के लोग जो है ये देखिए, सबसे सबसे बड़ी जो समस्या है इस स्कूल का, बाउंड्री नहीं है। अगर बाउंड्री नहीं है, शौचालय बना हुआ है, मूत्रालय बना हुआ है यहाँ पर, शौचालय लड़का लड़की का सब बना हुआ है, लेकिन अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें जो है बाहर वाले आके शौच करना शुरू कर देंगे। अच्छा इसका आप ये कह रहे हैं कि बाउंड्री होना चाहिए? हाँ, बाउंड्री मतलब बहुत जरूरी है जी। अभी आपको हम दारू का बोतल दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है, लाइए जी जी। एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोग कौन से क्लास की पढ़ाई हो रही है? 6 क्लास की पढ़ाई हो रही है। अच्छा क्या नाम है आपका? सलमान राजा। अच्छा मैडम पढ़ाती हैं? हाँ। अभी क्या पढ़ रहे हैं? गणित। अच्छा गणित पढ़ रहे हैं आप। अच्छा टेबल कितने तक आपको आता है? 15 तक आता है। 13 का सुनाइए तो। 13 नहीं आता है? 15 टेबल आता है, भूल गए, कोरोना में भूल गए क्या? आता है, लिख लेते हैं, अभी याद नहीं हुई। अच्छा लिख लेते हैं लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। 13 3 39, 13 4, उसके बाद ये भूल गए हैं। तो अब आप ही लोग समझिए शिक्षा मंत्री जी कि अब 13 4 क्या होता है। आपका क्या नाम है? आयुष राज। तुम बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। कितना तक आता है पारा? 12 तक। 11 का सुना दो तो। 11, 11, 11, 12, 12. अरे हिंदी में सुना दो यार, इंग्लिश की क्या जरूरत है, हिंदी स्कूल है। 11, 11, 22, 11, 33, 11, 44, 55, 11, 56, 67, 77, 78, 88, 89, 99, 11, 100, 100,
108। देखिए ये कॉन्फिडेंट था, कोई बात नहीं यार, होता है। मैं सवाल ऐसे नहीं पूछ रहा, एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दो। समस्या क्या है कि आप लोग जो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर थोड़ा सा भी अमीर होते तो आप प्राइवेट स्कूल में जाते, जाते कि नहीं जाते? तो आप यहाँ पे क्यों पढ़ने आ रहे हैं? क्योंकि आपके पास वो सुविधा नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, ठीक है ना? तो पढ़िए ध्यान से। अब इसमें आप पढ़ा रहा याद नहीं है तो मास्टर साहब को हम क्या कहें, बताइए। गलती तो आपकी भी है ना सलमान जी, गलती आप मानते हैं ना अपनी? हाँ। तो यहाँ तो पढ़ाते होंगे, लिखवाते होंगे, आप घर जाते होंगे आप और पबजी खेलते होंगे, खेलते हैं ना? नहीं, मोबाइल लिए नहीं तो खेले। घर में किसी का मोबाइल होगा, पबजी खेलते होंगे आप? पबजी खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है खेलने का समय, लेकिन साथ में पढ़ाई दीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है, मास्टर की बदनामी होती है आपसे ज़्यादा, कि भाई उस स्कूल में 11 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाया, 12 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाया, समझे? तो कोई बात नहीं है, पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आइए सर, वो दारू का बोतल दिखाइए ना, अभी हम आपको दारू का बोतल दिखाते हैं। जी खाना बन रहा है यहाँ पर, ये क्या बना है आज? चावल दाल सब्जी। एक बार चावल दिखाइएगा तो, थोड़ा कैमरा में लाइट दीजिएगा, हम आपको चावल दिखा रहे हैं। देखिए खाना बन रहा है, सही पे देखिए चावल बना है, चावल की क्वालिटी अच्छी है, चावल की क्वालिटी अच्छी है यहाँ पर। अब दाल दिखाइएगा आपको, कितने बच्चों का है सर ये? ये बच्चा करीब करीब 90 बच्चे। हाँ, मतलब जो जितने बच्चे उस दिन आते होंगे उसके 90 बच्चे का है। जी बहुत अच्छा, दिखाइए मैडम। ये चावल था और यहाँ पे देखिए दाल है, ये दाल जो है आपको हम चला के दिखाते हैं, ये दाल की क्वालिटी क्या, अरहर की दाल है? जी दाल देखिए अच्छा है, इसमें बढ़िया दाल बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा है। चलिए इसमें क्या सब्जी है, ये देखिए ये आलू की सब्जी है, आलू और सोयाबीन है क्या? नहीं, आलू सिर्फ है। आलू की सब्जी है, अच्छा था। सबसे बड़ी समस्या है कि देखिए खाना मिल रहा है, कोई बात नहीं है, दीजिए खाना, लेकिन खाना देकर आप गरीब के बच्चों का एजुकेशन मत छीनिए सर, क्योंकि गरीब के बच्चे आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, आइए आइए इधर ही आ जाइए, और है ये देखिए, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी दारू के दुकान के आगे खड़ा हूँ, लेकिन नहीं, मैं मध्य विद्यालय उसके सामने उसके ग्राउंड में खड़ा हूँ। और इस स्कूल में क्या होता है, बच्चे तो पढ़ के चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये स्कूल दारू का आटा बन गया है। ये देखिए, पता नहीं मैं दारू पीता नहीं हूँ, क्या लिखा हुआ है, किंग फिशर ये पढ़ने में आया हमको। तो बियर की बोतल है, अलग अलग दारू की बोतल है, रम है, वोडका है, अनेकों प्रकार का यहाँ पर दारू का बोतल पड़ा हुआ है। मतलब दारू पी के लोग यहीं पर छोड़ देता है, यहीं पे फेंक कर चला जाता है। इसकी समस्या ये कि अगर इस बाउंड्री किया होता, यहाँ पे एक आगे गेट लगाया होता, तो ये जो दारू पीने वाले आते हैं नहीं आते। सुनिएगा इधर, कहाँ से आ रहे हैं आप? रमाश्रम। प्राइवेट स्कूल है? हाँ। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में आप क्यों पढ़ने नहीं जाते, क्यों जाते हैं यहाँ पर? सरकारी स्कूल है, क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? क्योंकि सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, आप मानते हैं अच्छा पढ़ाई नहीं होता है? हाँ। इस वजह से आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? हाँ। सरकारी स्कूल में यही होता है? हाँ। है ना, इधर आइए, इधर सुनो ना दोस्त, क्यों डर रहे हो? डरो नहीं, क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार। हाँ। अच्छा, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? यहाँ पे बहुत दारू और पीते हैं, यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, आप लोग जो है वेल ड्रेस्ड वेल मेंटेन जाते हैं? यस। आपके दोस्त होंगे जो इस स्कूल में पढ़ते होंगे? हाँ, बहुत है। बहुत है ना। हाँ। तो आप इसलिए वहाँ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है? पढ़ाई सर यहाँ भी होती है, वहाँ भी होती है, पढ़ाई तो मतलब स्कूल है तो पढ़ाई तो हो ही बना, लेकिन होती है दोस्त। लेकिन बताओ, यहाँ पे समस्या ये है कि एक क्लास में सातवां और आठवां दोनों वाला बैठता है, क्लासर रूम नहीं है, वहाँ कैसा है, कितना शिक्षक है वहाँ पर? 50 को शिक्षक है? 15। अच्छा, 15 शिक्षक है। हाँ। कितने बच्चे हैं? 300। 300 बच्चे हैं। हाँ। आप ये समझिए, वहाँ पर ये जो स्कूल दिखा रहे थे इसके पीछे विद्या निकेतन है, आप इधर थोड़ा सा कैमरा खींचे, ये देखिए प्राइवेट स्कूल, बहुत छोटा सा प्राइवेट स्कूल है, उसके बच्चों को देखिए आप। प्राइवेट स्कूल में लोग क्यों अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ये आप देख के समझ गए होंगे। स्टूडेंट है 300, शिक्षक है 15, और यहाँ पर स्टूडेंट है लगभग 200, शिक्षक है 3। हेडमास्टर साहब को मैं नहीं गिनूंगा, क्योंकि ये बेचारे जो है खिचड़ी चावल गोभी भंटा बैगन और नमक में बिजी रहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए दारू की बोतल उठा रहे हैं यहाँ पे, क्या नाम है आपका? लीलावती देवी। खाना बनाती है? हाँ, तो ये रोज इतना मिलता है बोतल? अच्छा, रोज रोज मतलब 2-4 दारू की बोतल यहाँ पर मिलती है। मतलब यहाँ के आसपास के लोग से मेरी गुजारिश है, मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि भाई स्कूल है यार, यहाँ पे ऐसे मत किया कीजिए, कहीं जाके आहरा में नदी नाले के किनारे दारू पीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप स्कूल में दारू पी रहे हैं। मैं सबसे पहले जगन्नाथ महतो जी से कहना चाहूँगा कि सर, या इस स्कूल को बंद कर दीजिए, या इस स्कूल में वो सुविधाएँ दीजिए जिससे लोगों को एजुकेशन अच्छा मिले।
इस स्कूल में सबसे ज्यादा जो जरूरत है बाउंड्री की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, मतलब सब चीज की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी जरूरत नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज। मैं हूँ गढ़वा जिला है ना जी, गढ़वा जिले के नगर उटारी प्रखंड से समर। जय हिंद।